दोस्तों, प्राचीन काल के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ें आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही अलग और आश्चर्यजनक हैं, जो अपने पीछे कई रहस्य और सवालों को खड़ा करती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के नए 7 अजूबों के बारे में, जो हमारी पुरानी कला और तकनीकों को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं 7 अजूबों के बारे में। तो नंबर 7 पर है ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल के बारे में हर कोई जानता है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में बना हुआ है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1632 से 1653 तक पूरा हुआ था। दोस्तों, पूरे 22 साल तक यह निर्माण कार्य चला था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। ताजमहल के निर्माण में 2000 से भी ज़्यादा लोगों का योगदान है, जिनके ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां के द्वारा हाथ कटवा दिए गए थे, दोस्तों, ताकि दुनिया में कोई दूसरा ताजमहल ना बनवाया जाए। ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में 2007 में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नंबर 6 पर है चीन की महान दीवार। दोस्तों, चीन में स्थित यह दीवार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे लगभग सभी देश के लोग जानते हैं। दोस्तों, चीन की दीवार का निर्माण कार्य 5वीं सदी ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक पूर्ण हुआ था। इस दीवार को मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और अन्य वस्तुओं को मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों, यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार है, जिसकी लंबाई करीबन 6400 किमी तक फैली हुई है और ऊंचाई अधिकतम 35 फीट है। दोस्तों, इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इसमें एक साथ 10 से 15 लोग चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में 3000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी और 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। कहा जाता है दोस्तों कि चीन की दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आज भी यह दीवार चीन की रक्षा के लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ी हुई है। और नंबर 5 पर है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको के युकेटन क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 483 ईस्वी में हुआ था। यहाँ ची का अर्थ मुख या मुहाने से है और चैन का अर्थ कुएं से है, और इट्जा एक जातीय वंश समूह का नाम है। इसे माया सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, चिचेन एक पिरामिड है, जो कि बहुत पुराना कुकुलकन का मंदिर है, और यह मंदिर 79 फीट की ऊंचाई तक बना हुआ है। इसके चारों तरफ आने जाने के लिए प्रत्येक मार्ग में 91 सीढ़ियाँ बनाई गई है। यही विशेषताओं की वजह से आज यह पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, नंबर 4 पर है क्रिस्टो द रिडीमर। क्रिस्टो द रिडीमर यीशु मसीह की मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मूर्ति है। दोस्तों, यह मूर्ति ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो में स्थित है, जिसका निर्माण 1922 से 1931 तक पूर्ण हुआ था। दोस्तों, यह मूर्ति को एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। इस मूर्ति को सुपरस्टोन और क्रमफिट से बनाया गया है और इस मूर्ति का वजन लगभग 700 टन है। इसे बनाने के लिए दान राशि और चंदे द्वारा पैसे जुटाए गए थे और इसी तरह इस भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया था। नंबर 3 पर है माचू पिचू। माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। माचू पिचू का अर्थ पुरानी चोटी से है। यह जगह एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2430 मीटर है। इस जगह का निर्माण 14380 में एकाओं ने अपने शासकों को रहने के लिए किया गया था। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर एक शहर का निर्माण करना बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस जगह को स्पेनियों ने युद्ध में जीतने के बाद इसे यूं ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद यह जगह जंगलों में तब्दील होकर गायब हो गई। करीबन 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंधम ने इस जगह की खोज की और दुनिया के सामने रखा। तब से यह जगह पर्यटक स्थल बन गया है। नंबर 2 पर है पेत्रा जॉर्डन। दोस्तों, पेत्रा जॉर्डन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पेत्रा का निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व को हुआ था। दोस्तों, पेत्रा जॉर्डन एक बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का रूप है। इसे पहाड़ और पत्थरों को काटकर एक खूबसूरत नगर का रूप दिया गया है, और इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी इमारतों में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, यह शहर अपने विचित्र वास्तुकला और पानी वाहन प्रणाली और उसके अलावा प्राचीन काल 138 फुट ऊंचा मंदिर, नहरें, तालाब तथा स्टेडियम की वजह से विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी की वजह से दोस्तों, पेत्रा जॉर्डन को विश्व धरोहर में जगह दी गई है। नंबर 1 पर है रोम का कोलोशियम।
दोस्तों, रोम का कोलोशियम इटली में स्थित है। इसका निर्माण करीबन 70 दशक से 80 दशक में पूर्ण हुआ था। दोस्तों, यह एक बिगेस्ट स्टेडियम की तरह बनवाया गया है, जिसमें करीबन 50,000 लोगों की बैठने की सुविधा है। इस जगह का निर्माण योद्धाओं, गुलामों और जंगली जानवरों के बीच खूनी लड़ाई करवाने के लिए हुआ था। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, पर फिर भी काफ़ी हद तक अभी यह बचा हुआ है और यह पर्यटकों के लिए प्राचीन काल का एक बहुत ही शानदार नमूना बनके खड़ा हुआ है।